नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल हनीप्रीत। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत, कोर्ट ने उसे बड़ी खुशखबरी दी है और हरियाणा पुलिस को बड़ा झटका। जी हां, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की खास हनीप्रीत को अदालत ने बड़ी राहत दी है। पंचकुला की अदालत ने शनिवार को गुरमीत राम रहीम द्वारा गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत के खिलाफ पुलिस द्वारा लगाई गई देशद्रोह की धाराएं हटा दी। इसमें हरियाणा पुलिस का बड़ा झटका लगा है। हनीप्रीत पर अगस्त 2017 में गुरमीत राम रहीम को साधवियों से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराने के बाद पंचकुला में हुई हिंसा के मामले में देशद्रोही सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। हनीप्रीत इस मामले में मुख्य आरोपी है। हरियाणा पुलिस को इस समय एक बड़ा झटका तब लगा जब कोर्ट ने उसे क्लियर कर दिया और कारण यह है कि अब उस पर देशद्रोह का मामला नहीं चलेगा। अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद हनीप्रीत की शनिवार को पंचकुला की अतिरिक्त सेशन कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सेशन जज संजय संधीर की अदालत ने हरियाणा पुलिस द्वारा पंचकुला में 25 अगस्त 2017 को हुई हिंसा में मुख्य आरोपित हनीप्रीत पर लगाई गई देशद्रोह की धाराओं को हटा दिया। इस मामले में बहस के बाद आरोप तय किए गए। अदालत ने FIR नंबर 345 से हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों के खिलाफ लगाई गई देशद्रोह की धाराएं हटाने का आदेश दिया। अदालत ने हनीप्रीत व अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 121 और 121A हटा दिया। इसी तरह से इन लोगों के खिलाफ भी अब भारतीय दंड संहिता की धारा 216, 145 और 150, 151, 152A, 153 और 120B के तहत आरोप तय किए गए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर पंचकुला हिंसा मामले में आज सुनवाई हुई। आपको बता दें कि ये FIR 28 अगस्त 2017 को दर्ज की गई थी। इसमें पंचकुला में हुई हिंसा का आरोपी सुरेंद्र धीमान और डॉक्टर आदित्य पर लगा था। FIR नंबर 345 में हनीप्रीत के अलावा सुरेंद्र धीमान, गुरमीत, शरणजीत कौर, गोविंद, प्रदीप कुमार, गुरमीत कुमार, दान सिंह, सुखदीप कौर, CP अरोड़ा, खरेती लाल, चमकौर, राकेश, दिलावर सिंह मुख्य आरोपी थे। इनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश हो चुकी है। हनीप्रीत के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट में कुल 67 गवाह बनाए गए हैं, जिसमें से ज़्यादातर पुलिसकर्मी हैं। हनीप्रीत और दूसरे आरोपियों के खिलाफ पंचकुला के सेक्टर 5 पुलिस थानों में 27 और 28 अगस्त को IPC की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि आरोपियों ने गुरमीत राम रहीम को छुड़वाने की साजिश रची और हिंसा की। इस हिंसा में करीबन 32 लोगों की जान जा चुकी है और 200 घायल हो गए थे। इस FIR में हरियाणा पुलिस ने कई मोस्ट वांटेड डॉक्टर आदित्य को गिरफ्तार करना बाकी है। 25 अगस्त 2017 को डेरा गुरमीत राम रहीम के साथ पंचकुला में आई गाड़ियों के बारे में डेरा की चेयरपर्सन विपासना ने पंचकुला पुलिस की ओर से मांगी गई जानकारियां उपलब्ध करवा दी थी। विपासना ने डेरे से संबंधित 8 गाड़ियों के बारे में सूचना दे दी थी, साथ ही उसके साथ आए लोगों के बारे में भी जानकारी दी। इन गाड़ियों में 25 अगस्त को कौन कौन आए थे और गाड़ियों को कौन चला रहा था, इस बारे में भी विपासना की ओर से डिटेल जवाब पंचकुला पुलिस को थमा दिया गया था। इसके बाद 3-4 नोटिस देने के बाद एक बार विपासना पंचकुला पुलिस के समक्ष पेश भी हुई थी। खैर, इस मामले में अब गुरमीत राम रहीम की खास और नज़दीक माने जाने वाली हनीप्रीत को अदालत से राहत मिल चुकी है। आप देख रहे हैं पर्पल की विशेष रिपोर्ट।